Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes this side. Sweetie Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण श्लोक का पाठ दोहराएंगे. पार्ट 3 मात्राएं, पेज नंबर 17. बच्चों इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती. देखिए अ, मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना पिछले पार्ट में कि कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं. तो अस्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती. आ, आपने देखा है आ की मात्रा होती है ना बच्चों, ये वाली जिस तरीके से अ को लिखा मैंने, तो अ से अब मैं कोई भी एक अक्षर बनाती हूँ, जैसे कि कप. बहुत सारे अक्षर बन जाएंगे, कप, नल, कमल, नमक. इसी तरीके से आ, आ की मात्रा को एक शब्द बनाती हूँ. आम, नाक, कान, ये सब क्या है, आ की मात्रा के शब्द हैं. अब हम ई, ये क्या है, छोटी ई, ये कौन सी मात्रा हुई, छोटी ई की. अब इससे कोई भी एक शब्द बनाते हैं, जैसे किसान, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, किसान. अब छोटी ई की मात्रा के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं ना, किरण. अब यहाँ पे मैंने लिखा बड़ी ई, क्या लिखा, ये क्या है, बड़ी ई. बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है बच्चों, इस साइड से आती है, और छोटी मात्रा इस साइड से आती है. तो अब हम इसकी मात्रा का कोई भी एक शब्द बनाएंगे, जैसे कि कील, चील, ये सब क्या है, बड़ी ई की मात्रा के शब्द हैं. अब यहाँ पे मैंने लिखा ऊ, ये क्या है बच्चों, ऊ, ये क्या हुआ, छोटा ऊ. अब इसकी मात्रा से कोई भी एक शब्द बनाएंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है जिस तरीके से कुत्ता, हम बहुत ई ऊ की मात्रा का शब्द बनाए. अब यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ा ऊ, ये क्या है, बड़ा ऊ, ये कैसे होता है, ऐसे, ठीक है. अब बड़े ऊ की मात्रा को हम कौन सा शब्द बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया कू लर, ठीक है बच्चों. उसके बाद री से ऋषि, हम इसको, इसकी कौन सी मात्रा होती है बच्चों, हमने तो इसका पार्ट भी पढ़ा है ना, कृष्ण. इस तरीके से री की मात्रा, ये कौन सी होती है, री की मात्रा. यहाँ पे कौन सा शब्द बना, कृष्ण, ऋचा, ये सब क्या होते हैं, री की मात्रा के शब्द होते हैं. हम आए अब ए पे, ए की मात्रा. ए की मात्रा कैसी होती है बच्चों, ए की मात्रा ये री. अब ए की मात्रा से कोई भी एक शब्द बनाइए, मैंने लिखा यहाँ पे केला, केसर, ये सब क्या होते हैं, ई की मात्रा के शब्द होते हैं. अब यहाँ पे हम आए बड़ा आई, आई की मात्रा कैसी होती है, आई की मात्रा इस तरीके की होती है, आई की मात्रा से कोई भी एक शब्द बनाएंगे, कैलाश, क, क पे आई की मात्रा, और ल, ल पे आ की मात्रा, और श, तो ये क्या बन गया बच्चों, कैलाश. उसी तरीके से ओ, अब हम देखेंगे ओ की मात्रा, ये क्या हुआ बच्चों, ओ. अब ओ की मात्रा से कोट, कोमल, ये सब क्या है, ओ की मात्रा. क, क पे ओ की मात्रा, और ट, तो ये क्या हुआ बच्चों, कोट, क्या हुआ ये, कोट. अब स्वर कितने होते हैं बच्चों, स्वर मैम ने आपको बताया था 11 होते हैं. मैम ने अभी तक आपको कितने स्वर बता दिए, 10. अब हमारे पास एक और स्वर है, कौन सा स्वर है वो, लास्ट औ की मात्रा. अब हम क्या करेंगे, औ, ये क्या हो गया, औ. औ की मात्रा कैसे होती है, इस तरीके से, इसकी इस मात्रा का कौन सा शब्द बना, जैसे कौवा, नौका. क, क पे औ की मात्रा, अ, अ पे आ की मात्रा, तो ये क्या बना बच्चों, कौवा. तो बच्चों आज क्या देखा हमने, मात्राएं. अब आप इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बुक वर्क करेंगे, ठीक है. लेट्स रिवाइज बुक वर्क. पेज नंबर 18, प्रश्न नंबर 1. आप प्रश्न नंबर 1 पे आ जाइए.
प्रश्न नंबर वन में आपको क्या दिया हुआ है उसमें आपको मात्राएं लगानी है। प्रश्न नंबर वन, चित्रों को पहचान कर उचित मात्राओं का प्रयोग करते हुए शब्द लिखिए। बच्चों पहला चित्र किसका है, किसका दिया हुआ है पहला चित्र, अ, अ के बाद किसकी मात्रा आएगी, अ के बाद आ की मात्रा आएगी, तो आप क्या लिखोगे, अ के बाद आ की मात्रा लगा दोगे। दूसरा चित्र देखिए, दूसरा चित्र आपको किसका दिया हुआ है, केला, तो आपने किसकी मात्रा आएगी, क पे ए की मात्रा है, और ल पे किसकी मात्रा आएगी, अब ल पे अब आएगी आ की मात्रा। इसी तरीके से तीसरा देखिए, क, क के बाद किसकी मात्रा आएगी, औ की, किसकी मात्रा आएगी, औ की, तो ये क्या हो गया, और क, कौवा, अ पे किसकी मात्रा है, आ की। अब आप प्रश्न नंबर दो देखिए, प्रश्न नंबर दो है, दिए गए शब्दों में से मात्राएं अलग करके खाली स्थान में लिखिए। बच्चों आपको प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर दो में देखिए, पहला शब्द आपको दिया हुआ है चील, चील में आपको च के बाद किसकी मात्रा दी हुई है, बड़ी ई की, तो हम ख वाला देखेंगे, ख वाले में आपको ये क्या लिया हुआ है, द, द के बाद किसकी मात्रा दी हुई है, औ की, किसकी, औ की, तो आप द, द के बाद किसकी मात्रा लगा देंगे, औ की। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें देखेंगे च, देखते हैं हम च, च में क्या दिया हुआ है, म, मयूर, तो म के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, य पे कौन सी मात्रा है, य पे बड़े ऊ की मात्रा है, तो हम बड़े हूँ की मात्रा देखेंगे। अब उसकी तरीके से आप देखिए, झ, क्या वर्ड क्या दिया हुआ है आपको, पारस, क्या दिया हुआ है आपको, पारस, प पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा, प पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा। तो बच्चों हमने देखा, अब हम प्रश्न नंबर चार पे आते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर चार पे हमको क्या दिया हुआ है, पहले हम पढ़ते हैं, नीचे दी गई मात्राओं का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द लिखिए। अब आपको प्रश्न नंबर चार, आपको पता है बच्चों इसमें क्या करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा क, अब क पे, क पे क्या दिया हुआ है बच्चों, कौन सी ई की मात्रा है, ये छोटी ई की कि बड़ी ई की, ये है छोटी ई की मात्रा। ठीक है, अब इससे मुझे कोई भी एक शब्द बनाना है, कोई भी एक शब्द बनाऊंगी, तो मैंने बनाया पिता, मैंने क्या बनाया, पिता, आपको कोई भी छोटी ई की मात्रा का कोई भी एक शब्द बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बनाया पिता। अब आप इसी में घ देखिए, देखा बच्चों उसमें आपको कौन सी मात्रा दी हुई है, ये कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की कि बड़े ऊ की, ये मात्रा बड़े ऊ की है, तो अब मैं कोई भी एक शब्द बनाऊंगी, आप भी कुछ शब्द अपने मन में सोचिए। मेरे को याद आ गया, मैं बना रही हूँ फूल, मैंने क्या बनाया यहाँ पे, फूल, फ, फ पे बड़े ऊ की मात्रा और ल, तो ये क्या बन गया, फूल। बच्चों प्रश्न नंबर पाँच, प्रश्न नंबर पाँच पे देखिए, वर्णों को जोड़कर लिखिए, क वाला देखते हैं हम, क नीचे हलंत फिर आ, तो बच्चों ये क्या बना, क्या बनेगा ये, का, क्या बना ये, का। इसी तरीके से बच्चों ख वाला देखिए, ख वाले में म, म के नीचे हलन और ए, तो ये क्या हो गया, मे, क्या हो गया ये, मे। अब आप देखिए प्रश्न नंबर छः, प्रश्न नंबर छः पे क्या दिया हुआ है बच्चों, प्रश्न नंबर छः पे दिया हुआ है, बिना मात्रा वाले छः शब्द लिखिए। तो आप बिना मात्रा वाले कोई भी छः शब्द लिख दीजिए, जैसे मुझे याद आ रहा है मैं लिख रही हूँ बिना मात्रा वाले, अभी मैम ने आपको बताया था ना, कप, नल, तो मैं पहले यहाँ पे लिख दे रही हूँ प्रश्न छः, प्रश्न छः, फल,
नल, कप, ये क्या हो गए? बिना मात्रा वाले शब्द। प्रश्न नंबर 7 पे देखिए, दिए गए स्वरों की मात्रा वाले 3-3 शब्द लिखिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 देखिए, क, क वाला क्या है? इसमें आपको आ की मात्रा समझाई गई है, हम करेंगे ख। हम कौन सा करेंगे? ख। ख पे किसकी मात्रा है? ये छोटी ई की मात्रा। तो इससे कोई भी दो शब्द बनाएंगे हम, जैसे कि सॉरी बड़ी ई की 7। ख, ख पे देखिए बड़ी ई की मात्रा। अब बड़ी ई की मात्रा से कोई भी दो शब्द बनाते हैं हम, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे चील और दूसरा हाथी। ह, ह पे आ की मात्रा और ठ पे बड़ी ई की मात्रा, हाथी। और एक और बना देती हूँ, प, प पे आ की मात्रा और न पे ई की मात्रा। तो ये क्या बना बच्चों? पानी। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? पार्ट 3। इनका क्या किया हमने? दोहरान किया। मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।